बहुत ही खूबसूरत सवारी स्टॉल, आप लोग यहाँ पर एक बार जरूर आइए, मंजर दिखाने वाले हैं। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। माय व्लॉग चैनल SVN07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डोडरेपाल वाटरफॉल दिखाने ले जाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए, दूर से देखो तो बादल ऐसा लग रहा है मानो धरती पर उतर आया हो। आप देख सकते हो यहाँ पर चारों ओर पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहे हैं, इसलिए शायद पेड़ पौधे कम उगे हुए हैं। सो गाइस, यहाँ का व्यू देखने लायक बनता है। दोस्तों, आप लोग अगर इस रास्ते से कभी आए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आए हैं तो वीडियो में ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। रोड के दोनों ओर नीलगिरी के वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं। सो गाइस, वीडियो में बने रहिए, आइए चलते हैं माय व्लॉग चैनल SVN07 के साथ डोंडरपाल वाटरफॉल के लिए। गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर रोड थोड़ा सा ठीक नहीं बना हुआ है, शायद अभी काम चल रहा है। देखिए, यहाँ पर पुलिया का भी निर्माण किया जा रहा है और यहाँ से रोड बढ़िया है। ये ग्राम पंचायत डील मिली है, हम लोग अभी इस रास्ते से होकर सीधा डोडरेपाल वाटरफॉल के लिए जाएंगे। आप लोग देख सकते हो कि पखनार से आया हुआ रोड है। तो गाइस, हम लोग इसी रोड से होते हुए हम लोग अभी डोंडरपाल वाटरफॉल के लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ का नज़ारा और ब्यूटी। ये देखिए भाई, बहुत ही खूबसूरत सा बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है, पूरा पत्थर से बना हुआ है यार, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एंट्री टिकट लिया जाता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चेक पोस्ट लगाया गया है। यहाँ पर पर पर्सन 10-10 के हिसाब से लिया जाता है और बाइक का भी 10 रुपया लिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बाइक खड़ा करने के लिए भी स्टैंड बनाया गया है और सुलभ शौचालय का भी निर्माण किया गया है। ये आप देखिए, यहाँ का नज़ारा बहुत ही मज़ेदार है। हम लोग अभी चबूतरे के पास जाके ऊपर का सीन, जर्नी का सीन दिखाते हैं। तो गाइस, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार, अगर पानी ज़्यादा होता तो बहुत ही मज़ा आता। सो गाइस, हम लोग और पीछे एक चबूतरा बना हुआ है, वहाँ से आप लोगों को वाटरफॉल का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा झरना, आप लोग देख सकते हो मज़ा आ रहा है यहाँ आके। ये देखिए भाई, बहुत ही सुंदर है। गाइस, हम लोग अभी झरने के पास जाते हैं और वहाँ से नज़दीक से आप लोगों को दिखाते हैं और नीचे की ओर भी जाके आप लोगों को दिखाते हैं, मज़ा आने वाला है। ये आप लोग देख सकते हैं पूरा नीचे का हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है भैया। देखिए दोस्तों, इस झरने को डोंडरेपाल वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। कुछ भाई लोग हैं जो पहले यहाँ पर आके यूट्यूब में वीडियो डाले हैं और मंडवा वाटरफॉल के नाम से डाले हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि ये डोडरेपाल वाटरफॉल के नाम से इसको जाना जाता है। सो गाइस, आप लोग इसको डोडरेपाल वाटरफॉल के नाम से जान सकते हो। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है, कुंड है जहाँ पर शायद बहुत गड्ढा होगा, यहाँ से पानी इस तरह से नीचे आता है। फिर जनपद पंचायत धरबा और ग्राम डोडरेपाल में स्थित है वाटरफॉल। डेलमिली से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर। ये देखिए भैया, क्या खूबसूरत ये वाटरफॉल, आप लोग देख सकते हो अभी थोड़ा पानी कम है। ये देखिए अपना सुखमन साथी भी बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं झरने में आके। दोस्तों, यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट जगह है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर न जंगल है न झाड़ी है, बस
चारों ओर मैदान और मैदानों के बीच में खेत बड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं दोनों चट्टानों के बीच में कुंड नजर आ रहा है। तो देखिए भाई, हम लोग अभी ऊपर की ओर फिर से जाएंगे, वहाँ पर स्थित मंदिर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो में बने रहिए, बहुत 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 मज़ा आने वाला है। मंदिर बना हुआ है दोस्तों, उसको भी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो चलना मुश्किल है, अगर यहाँ तो पाँव फिसल गया तो सीधा पानी के अंदर, इसलिए हम लोग संभल संभल के चल रहे हैं आराम से। इधर मंदिर जाने का रास्ता है, इधर भी ऐसे मानो सीढ़ी बना दिया गया है, जाके देखते हैं। देख सकते हो ये मंदिर है ढूंढरीपाल वाटरफॉल का। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर शिव जी का शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं छोटा सा, और यहाँ पर पूरा कचरा नज़र आ रहा है भाई, लगता है बहुत दिन से यहाँ पर कोई नहीं आया। चलो भैया उतरो, यहाँ का बहुत बढ़िया लोकेशन है भाई, घूमने लायक जगह यार, बहुत सुंदर है। फिर हम लोग भोलेनाथ का दर्शन कर नीचे आ रहे हैं। इतना कठिन रास्ता है भैया, देखिए पानी, ऐसा लगता है मानो अमृत रस की वर्षा हो रही हो आसमान से। बहुत ही खूबसूरत सा ये नज़ारा देखने लायक बनता है यार। वाल का वाटरफॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग भी यहाँ पर आइए, पिकनिक मनाइए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है यार। अपना बस्तर में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे झरने मिलेंगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पर अगर नहीं आए हो तो यहाँ पर जरूर आना, आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी, यहाँ के अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, ताकि आप लोगों को नए नए वीडियोज मिलती रहे इस प्रकार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।